थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मल का मतलब है हीट, तो कोई भी मैटर की थर्मल प्रॉपर्टी में से हीट को स्टडी करवाया जाता है कि हीट का क्या इफेक्ट है किसी भी बॉडी पे। तो स्टार्ट किया जाता है हीट से। हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस लेके आती है। हीट के सीजीएस यूनिट कैलोरीज हैं और एसआई जो है वो जूल्स हैं, और वन कैलोरी 4.18 जूल है या 4.2 जूल है, अप्रॉक्सीमेटली एक ही बात है। जूल्स मैकेनिकल इक्वलेंट ऑफ हीट ये बताता है कि वर्क डन को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और हीट को वर्क डन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही वर्क डन होगा, और या जितना वर्क डन होगा उतना हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो वर्क डन और हीट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वर्क डन जूल में मेजर की जाती है, हीट प्रोड्यूस कैलोरीज में होती है, पर जूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैलोरीज एंड कैलोरीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स। इसके लिए जे कांस्टेंट लगता है, जे का मतलब है जूल्स इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू 4.2 समथिंग होती है जिसे कन्वर्जन की जाती है। थ्योरी याद करने से बेटर है आप ये एग्जाम्पल देख लें, वो थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में हीट 15 कैलोरी गिवन है और आपको जूल में कन्वर्ट करना है, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हीट 15 जूल में गिवन है और आपको कैलोरी में कन्वर्ट करनी है, इसको 4.2 से डिवाइड कर दें, आंसर कैलोरी में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल क्लियर है, इसे फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें प्लीज एग्जाम्पल को, क्योंकि इतनी कन्वर्जन करने वाले हैं हम एक महीने के अंदर। जूल कैलोरी रूटीन का काम है कन्वर्जन का, इसे नोट कर लें कोई चीज़ कैसे कन्वर्ट होती है 4.2 से मल्टीप्लाई या 4.2 से डिवाइड करके।